अमरीकी सदर को सफेद फाम नस्ल परस्त ग्रुप की मजम्मत न करने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। जो बाइडेन ने मुबाहसे में ट्रंप की गुफ्तगु को कौमी शर्मिंदगी करार दे दिया। उनका मुबाहसे में इंशाल्लाह कहना तवज्जो का मरकज बन गया। मुबाहसे में जब सदर ट्रंप ने इनकम टैक्स गोशवारों के हवाले से बात की तो जो बाइडेन ने अरबी लफ्ज इंशाल्लाह कहा, जो मीडिया में तवज्जो का मरकज बन गया। अमरीकी मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर इनकी खूब तारीफ की। मुस्लिम सारफी ने लिखा है कि क्या अच्छा वक्त है, बाइडेन ने ट्रंप को इंशाल्लाह कहा और मुस्लिम वोटर्स के दिल जीत लिए। इन 2016 एंड 2017 मिलियंस ऑफ डॉलर्स यू पेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स सो नॉट 750 मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड यू गेट टू सी इट एंड यू गेट टू सी इट बट लेट मी जस्ट टेल यू Chris, let me just tell you something that दूसरी तरफ सदर ट्रंप को सफेद फाम नस्ल परस्त ग्रुप की मजम्मत न करने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। जो बाइडेन ने मुआयसे में ट्रंप की गुफ्तगू को कौमी शर्मिंदगी करार दे दिया। बरतानवी मीडिया ने मुआयसे में जो बाइडेन के जोश और बर्दाश्त को इनकी कामयाबी करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले कि बाइडेन कोई गलती करते, सदर ट्रंप खुद ही इनकी बात काट कर इन्हें बचा लेते। Millions of dollars, and you'll get to see it. But let me just tell you.